एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में जॉन नाम का एक पति और उसकी पत्नी एमिली रहते थे। एमिली बेहद आलसी होने के लिए मशहूर थी। वह अपने दिन घर के चारों ओर आराम करते हुए बिताती थी, अपने घरेलू कामों की अनदेखी करती थी और सब कुछ गरीब जॉन को संभालने के लिए छोड़ देती थी। एक उजली सुबह जब सूरज उनके शयन कक्ष की खिड़की से झांक रहा था, जॉन ने फैसला किया कि अब बहुत हो चुका। उसने एमिली के आलस्य को काफ़ी हद तक देख लिया था और फैसला किया कि अब उसके लिए एक मूल्यवान सबक सीखने का समय आ गया है। एमिली, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम आलसी से भी अधिक आलसी हो गई हो। ओह, जॉन, आप परेशान कर रहे हैं। मुझे बस थोड़ा और आराम चाहिए। थोड़ा और आराम? आप हफ्तों से आराम कर रही हैं। यह एक परिवर्तन का समय है। आज आप घर का सारा काम खुद ही करेंगी। लेकिन जॉन, मुझे ये भी नहीं पता कि कहाँ से शुरू करूँ। यही कारण है कि आपको सीखने की ज़रूरत है। मैं देखता रहूँगा और यदि आपको सहायता की आवश्यकता होगी तो मैं आपका मार्गदर्शन करूँगा। एमिली अनिच्छा से बिस्तर से उठी और चारों ओर देखा। उसे गंदगी का एहसास हुआ। ठीक है जॉन, मैं कहाँ से शुरू करूँ? बिस्तर बनाने से शुरू करो, ये एक आसान काम है। ठीक है, लेकिन ये उम्मीद ना करें कि ये उत्तम होगा। जब एमिली बिस्तर ठीक करने के लिए संघर्ष कर रही थी, जॉन मनोरंजन के साथ देख रहा था। वह जानता था कि यह उन दोनों के लिए एक लंबा दिन होगा। जैसे ही सूरज डूबने लगा, रास्ते में कुछ रुकावटों के बावजूद एमिली ने आखिरकार अपना काम पूरा कर लिया। उसे एहसास हुआ कि उसके आलस्य ने न केवल उसके पति पर बोझ डाला बल्कि उसके व्यक्तिगत विकास में भी बाधा उत्पन्न की है। अगले दिन एमिली जल्दी उठ गई और अधिक सक्रिय होने का दृढ़ निश्चय किया। उसने नाश्ता बनाया, घर की सफाई की और यहाँ तक कि रात के खाने में घर का बना खाना देकर जॉन को आश्चर्यचकित कर दिया। एमिली, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। आपने सचमुच चीजों को बदल दिया है। धन्यवाद जॉन, मैंने अपना सबक सीख लिया है। अब से एक जिम्मेदार और मेहनती पत्नी बनूंगी। और इस तरह एमिली का आलस्य अतीत की बात बन गया। उसने अपने घर की देखभाल करने की खुशी का अनुभव किया और ऐसे करते हुए उसने अपने पति जॉन के साथ एक मजबूत बंधन विकसित किया। उस दिन के बाद से वे हंसी और प्यार से भरा एक खुशहाल जीवन जीने लगे।